नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो लखनऊ से आ रही है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार हो गए हैं। जी हां, लखनऊ में अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है। बता दें उनके खिलाफ लखनऊ में ही एफआईआर दर्ज की गई थी, कई धाराओं में एफआईआर दर्ज थी और ऐसे में जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही जानकारी दे देते हैं कि आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश समेत कई अपराधों के मामले में जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। कई धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दरअसल रेप पीड़िता के आत्मदाह से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये लखनऊ से सामने आ रही है। दरअसल रेप पीड़िता ने अपने फेसबुक लाइव में अमिताभ ठाकुर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट आई थी जिसके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई थी और अब आखिरकार पूर्व आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ में ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। नहीं, मुझे एफआईआर कॉपी दो, मैं से नहीं जाऊंगा। साइन के बात है, कहीं पे साइन करवाया? देखिए कारण बताइए। नहीं किया, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं, नहीं, नहीं। आप तो इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी कर ली गई है, लखनऊ में ये गिरफ्तारी हुई है और बता दें उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी जिसके बाद अब आखिरकार उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरह से पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो वो अपनी गिरफ्तारी से भागते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो यानी कि अब भी जो उनका रवैया है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसा उनका रवैया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। रेप पीड़िता के आत्मदाह से जुड़ा ये पूरा मामला है। हालांकि दरअसल रेप पीड़िता ने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद जांच समिति बनाई गई थी और उसकी जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई थी। कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी जिसके बाद अब उनकी आखिरकार गिरफ्तारी कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व आईपीएस के खिलाफ लखनऊ में ही एफआईआर दर्ज हुई थी और ऐसे में अब आपको ये भी बता देते हैं कि रेप पीड़िता ने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से अमिताभ ठाकुर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब अमिताभ ठाकुर विवादों में रहे हों, इससे पहले भी वो कई बार विवादों में रह चुके हैं और एक बार फिर इन पर जब रेप पीड़िता ने ये आरोप लगाए थे अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से तो एफआईआर उन पर कई धाराओं में दर्ज की गई थी जिसके बाद अब लखनऊ में आज उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है जहां पर पूर्व आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बता दें आपको ये गिरफ्तारी रेप पीड़िता की आत्मदाह के आरोप के सिलसिले में हुई है। साथ ही अतुल राय और मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर षड्यंत्र बनाने का रचाने का भी आरोप उन पर लगा था। तो यानी कि ये कोई पहला आरोप, ये कोई पहला मामला, ये कोई पहला विवाद नहीं था, इससे पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं, इस तरह के आरोप उन पर लग चुके हैं। और इससे पहले ही बता दें अतुल राय और मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप भी उन पर लग चुका है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो लखनऊ से आ रही है। कई धाराओं में
एफआईआर दर्ज हुई थी और अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। रेप पीड़िता के आत्मदाह से जुड़ा ये पूरा मामला है। रेप पीड़िता ने दरअसल अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद जांच समिति बनाई गई थी और उस जांच समिति ने जब अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी तो उसको देखते हुए उसके मद्देनजर उस पर देखते हुए कई उनके धाराओं में मामला दर्ज किया गया था उनके खिलाफ, जिसके बाद अब आज यह एफआईआर दर्ज की गई थी जब, तो उसके बाद आज ये गिरफ्तारी उनकी कर ली गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए पारू, सबसे पहले बता दूं कि ये जो मामला है वो काफी पुराना मामला है, क्योंकि जो उत्पीड़न का मामला बताया जा रहा है उर्वशी शर्मा, इनका ये कहना है कि इनके जो पति थे संजय शर्मा, और काफी टाइम पहले इसके ऊपर ये आरोप किए गए थे कि जब आईपीएस अमिताभ ठाकुर खुद थे तो उनके कार्यकाल में उनके पति को काफी हैरत किया जाता था जी। और इनके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि अभी हाल ही में कई बार, चाहे सरकार हो या अमिताभ ठाकुर का आमना सामना हुआ, कई बार इन्होंने विवादित बयान भी दिए हैं। और इसके साथ साथ अभी जैसे अमिताभ ठाकुर का ये भी कहना था कि इनसे जबरदस्ती इनका रिटायरमेंट ले लिया गया था और अब इन्होंने एक पार्टी की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, यानी कि चुनाव लड़ने की इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। उस पार्टी का नाम भी इन्होंने मानव अधिकार रख दिया था और अब आज बिल्कुल, और रूबी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसका ऐलान भी किया था कि वो एक राजनीतिक दल अधिकार सेना का गठन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर ये सूचना मिलने के बाद ही कहा जा सकता है कि ये पूरा जो मामला है एक्टिव हुआ है। और अभी जो ताजा जो मामला निकल के आया है, हजरतगंज थाना है, यहाँ पे इसको लाया गया है। साथ ही साथ इनकी जो पत्नी है नूतन ठाकुर, वो भी उनके साथ है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो उत्पीड़न का मामला है ये कई टाइम पहले दर्ज कर लिया गया था, लेकिन जो सुनवाई है वो अभी इनको थाने पे लाया गया है और अभी जो बातचीत है यानी कि आगे की जो कार्रवाई है उस पर लगातार चालू है। दीपारू जी बिल्कुल रूबी, और देखिए जो गिरफ्तारी के दौरान की तस्वीरें सामने आ रही थी, वीडियो सामने आ रहा था, वो हमने देखा और दर्शकों को भी दिखाया कि अभी भी जो अमिताभ ठाकुर के तेवर हैं वो बदलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस पहुंची उन्हें गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो अभी भी वही तेवर उनके दिखाई दे रहे थे और साफ तौर पर वो कहते नजर आ रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं गिरफ्तार हूंगा, जबरदस्ती पुलिस को उन्हें गाड़ी में बैठाना पड़ रहा था। पारुल, वो इसी तेवर के लिए ही काफी फेमस हुए, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कई बयान ऐसे दिए थे जिसके वजह से योगी सरकार को भी इनके लिए काफी सख्त कदम उठाना पड़ा था। और आपको ये भी बता दूं, इनको जबरदस्ती रिटायरमेंट के लिए, यानी कि इनको खुद ही कहा गया कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, ये सारे ऐसे बयान थे जो इस तरीके से इन्होंने अमिताभ ठाकुर के फेवर में आ रहे थे। तो अब एक जो बड़ा मामला आके निकला है वो है उत्पीड़न का, यानी कि महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर सरकार बिल्कुल भी अपना रुख नरम नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी कई ऐसे मामले हुए थे अमिताभ ठाकुर के जिसको लेकर सरकार उनको साइड कर रखी थी, लेकिन इस मामले को देखते हुए उन्होंने तुरंत ही उनके घर पे, क्योंकि हाउस अरेस्ट वो काफी दिनों से थे, उनका ये भी मानना था कि कई दिनों से मुझे नजरबंद करके रखा गया है घर के अंदर, वो हो या उनकी पत्नी हो, उनके बच्चे हो, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन आज उनको हजरतगंज यहाँ थाना जो लगता है यहाँ की पुलिस आई, उनको ले जा रही थी, साथ ही साथ उनकी पत्नी थी नूतन ठाकुर, लेकिन जाने में भी उन्होंने कई बार यही कहा कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पीछे से इनके जो पत्नी है वो सोशल वर्कर है, वकील है, इनके बेटे वकील है, इनके बेटी वकील है, तो कहीं ना कहीं दावपेच जो है वो सियासी दावपेच बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं पारुल के आगे आने वाला जो टाइम इनके लिए काफी टफ हो सकता है, क्योंकि जब से इन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी करी थी, ये अयोध्या भी जाने वाले थे, उसके जाने से पहले इनको वहां पे रोक लगा दी गई थी। जी बिल्कुल रूबी, और जिस तरह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है अमिताभ ठाकुर के खिलाफ, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, यानी कि इससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि योगी सरकार बिल्कुल भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। अगर आप चाहे किसी भी पार्टी से हो, कोई भी अधिकारी हो या प्रशासन से ही क्यों ना हो, या अगर आप गलती करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आप पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा पारुल आपने, क्योंकि हालात यहाँ पे जो है उनका कहना है कि सब एक सामान्य है, मानो कोई भी हो, अगर जो कोई आईपीएस रेंज का हो या फिर एक सामान्य आदमी की होना हो, ऐसे में अगर अमिताभ ठाकुर के तैयारी पूरे आईपीएस रह चुके हैं, अगर इनका भी मामला निकल के आया है तो कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। इसी तर्ज पे ही उर्वशी शर्मा है, काफी टाइम से अपनी गुहार लगा रही थी यहाँ पे और उसके बाद आज सुनवाई हुई है।
इसलिए आज हरकत में आई है। यहाँ के हजरतगंज जो थाना लगता है उनको यहाँ पे बुलाया गया है। अभी बातचीत चालू है, उनके साथ उनका परिवार जरूर है, लेकिन बाकी मीडिया के सामने आने के लिए बिल्कुल अभी मना कर दिया गया है। अभी जो थोड़ी देर के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार उनके साथ होता है क्या, यानी कि इस मामले में जो उर्वशी शर्मा है उनको भी बुलाया जाएगा। आपके साथ में क्या बातचीत होती है वो थोड़ी देर के बाद पता लग सकता है। बिल्कुल रूबी, और देखिए जो जानकारी मिल रही थी आपने भी जैसे बताया, और सबको ये पता है कि ये पहले भी विवादों में कई बार रह चुके हैं, और ऐसे में अतुल राय और मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर भी षड्यंत्र रचने का आरोप उन पर लग चुका है। परुल, ये बात कहने में बिल्कुल सही है कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें अमिताभ ठाकुर का नाम हमेशा जुड़ा हुआ पाया गया है, और ये भी कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ इनके खास अच्छे खासे बयान ऐसे हुए हैं जिसके वजह से सरकार ने इनको कई बार इनको मतलब कह सकते हैं छोड़ भी दिया गया है। लेकिन अब जो मामला है वो महिला उत्पीड़न का है, तो इस वजह से इनके लिए कहीं से भी कोई भी सख्त कदम छोड़ना नहीं चाहती है, या ये कह सकते हैं सरकार पूरी तरीके से वोट में आ चुकी है। एक्शन के साथ अब रिएक्शन दिखेगा कि अब थोड़ी देर के बाद होगा क्या। बिल्कुल रूबी, और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है तो क्या रेप पीड़िता की तरफ से या उसके परिवार की तरफ से कोई अभी तक प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर? उनके तरफ से एक फैमिली एक मेल जारी हुआ था, वो जो उर्वशी शर्मा है उन्होंने जारी किया था। हाल ही में अभी ये कहा गया है कि थोड़ी देर पहले ही बताया गया है कि आने पे सबको बुलाया जाएगा, बातचीत होगी, यानी कि वो जो फैमिली है उर्वशी है, उनके पति हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आएंगे, और अमिताभ जी और जो यहाँ पे दुष्यंत ठाकुर की जो फैमिली है सब आपके सामने बैठाया जाएगा, तब बातचीत हो पाएगी। मामला क्या है, यानी कि अब जो थाना पुलिस जो मामले में बीच में फंसा हुआ है, अब इस पे बैठ के ही बातचीत की जाएगी कि इसके आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्शन लिया गया है और अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, कहीं ना कहीं खुशी भी होगी परिवार में, क्योंकि पिछले काफी समय से वो जद्दोजहद कर रहे थे, हालांकि जांच भी चल रही थी, कार्रवाई भी की जा रही थी, लेकिन उसके बाद अब आखिरकार जब ये गिरफ्तारी हो गई है तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी जरूर होगी परिवार में। बिल्कुल कह सकते हैं वरुण, क्योंकि उर्वशी काफी टाइम से गुहार लगा रही थी, शायद वो थाना पुलिस कर के बात हो, या फिर हम कह सकते हैं कि सरकार के तरफ पे जाने की बात हो, जनता दरबार यहाँ पे लगता है उसमें भी वो खुद कई बार गई है, लेकिन अभी तक उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही थी। आज पूरी तरीके से पुलिस मूड में थी, और जिनको एक हफ्ते से बताया जा रहा था, अमिताभ ठाकुर का खुद कहना था कि मुझे एक हफ्ते तक अभी तक हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, मुझे कहीं निकलने के लिए मना रखा गया था, कोई कहीं नहीं जाएगा, निगरानी थी, यानी कि पुलिस चारों तरफ से उनको निगरानी में रखी हुई थी। आज इनको अरेस्ट करके यहाँ से काल के घर से जीप में बैठा के, जो कि आपने तस्वीरों में देखा भी होगा, विजुअल में भी देखा होगा कि किस तरीके से अमिताभ ठाकुर बैठने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती करने के बाद उनको बैठाया गया है। अब उनको थाने लाया गया है, और अब जो उर्वशी की फैमिली के इंतजार किया जा रहा है कि अब वो फैमिली आएगी उसके बाद। बिल्कुल रूबी, और साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता था कि अमिताभ ठाकुर गाड़ी में बैठने को तो तैयार ही नहीं थे, बल्कि वहां से भागने के लिए भी तैयार थे कि किसी न किसी तरह वो पुलिस के चंगुल से छूट जाए और वहां से फरार हो जाए। बिल्कुल परोस, क्योंकि लगातार इनकी सोच यही थी, ये भी कह सकते हैं लगातार उनका प्रयास यही था कि सरकार के खिलाफ ये सख्त हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर लिया है, उस पार्टी का नाम रख लिया है, लोगों से अपील कर रहे थे, अपने सहयोगियों से बोल रहे थे कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी से आप लोग जुट जाइए, तो तेवर इनके पहले से शुरू हो चुके थे, यानी कि आगाज कर चुके थे। आज उनको खुद भी नहीं पता था ये बात को लेकर कि आज उनको वर्षी के मामले को लेकर इस कदर का सामना करना पड़ेगा, काफी मशक्कत कह सकते हैं पुलिस का, और अभी जो थाने पे इनको यहाँ पे बैठाया रखा है, इसके बाद ये देखना होगा कि अमिताभ ठाकुर जो है अब वो नेक्स्ट कदम क्या उठाते हैं, क्या वाकई में चुनाव लड़ने की जो उनकी सोच थी क्या वो बदलेगी, या ये कह सकते हैं चुनावी दांव पेच में, या ये कह सकते हैं कि कानूनी दांव पेच में वो फंसते चले जाएंगे। बिल्कुल रूबी, यही देखने वाली बात होगी कि आगे अब किस तरह से वो क्या करेंगे, क्योंकि लगातार देखिए विवादों में तो अक्सर वो रहते ही हैं, और इस बार फिर जब कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ऐलान किया था एक गठन करने का, एक राजनीतिक दल का, अधिकार सेना जिसका उन्होंने नाम दिया था जिसको, और कहा था कि वो ऐलान कर दिया है उन्होंने, और जनता से जुड़ने के लिए भी कहा था। परुल, अगर हम अमिताभ ठाकुर की पर्टिकुलर बात करते हैं तो अमिताभ ठाकुर मुलायम सरकार से, उसमें भी उन्होंने सरकार से बयान लिया था, योगी सरकार है इसमें भी उन्होंने बयान लिया था, तो ये कह सकते हैं अमिताभ ठाकुर का जो नेचर है, या ये बोल सकते हैं कि अमिताभ ठाकुर का जो काम करने का स्टाइल था बिल्कुल आमने सामने, यानी कि कोई भी वो ऐसा भी सोच नहीं रखते थे कि सरकार जानती उनके सामने कोई है ही नहीं, वो पर्सनली अटैक करते हैं, यानी कि उन्होंने शुरुआत से ही यही बात अपना रखा था कि मैं एक इस तरीके से अधिकारी
सरकारी रेंज का आदमी हूँ, मुझसे ये ऐसे हो नहीं सकता, मुझसे जबरदस्ती काम कराया जाता है। लेकिन आज उनकी हालात इस तरीके से देखने को मिला कि लग ही नहीं रहा है कि वो ITS रेंज के अधिकारी हैं और उनको इस तरीके से पुलिस पकड़ के ले जा रही है और ऐसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं जिसका सामना उनको करना पड़ रहा है। हालांकि कई बार उन्होंने सफाई दी है कि ये निराधार है, इस मामले में मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन अभी जो है वो लिखित तौर पर जो कार्रवाई है उर्वशी शर्मा है उनका ये कहना है कि मैं जब मुझे पुलिस कहेगी तो वो सारे एविडेंस ला के दूंगी, यानी साक्ष्य से है उनके पास, वक्त आने पे वो पूरा पूरी तरीके से पुलिस के सामने में रख देंगे। तो कहीं ना कहीं अमिताभ ठाकुर के लिए आगे के जो रास्ते हैं वो कठिन जरूर हो गए। बिल्कुल, चलिए रूबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। मुझे खैर कॉपी दो, मैं नहीं जाऊंगा। इलीगल ट्रांजैक्शन है, कारण के बात है, साइन के बात है, कहीं ना साइन के बारे में देखिए कारण बताइए। देखिए नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे थे, जहां पर पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि अक्सर वो विवादों में रहते हैं और आखिरकार रेप पीड़िता ने आरोप लगाया था, जिसके बाद आज उनकी आखिरकार लखनऊ में गिरफ्तारी कर ली गई है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।